चलिए दोस्तों, सुपर स्टडी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बिंदुओं -3.10 और 6.-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1.6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, इसको देखते हैं हम। पहले सबसे पहले एक रेखाखंड लेते हैं, देखिएगा एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक रेखाखंड की बात करते हैं और ये में दिया हुआ है रेखाखंड को बिंदु इतना, ए में दिया है -3.10 और बी में दिया है 6.-8 को एक बिंदु हम लोग पी मान लेंगे, जो किस अनुपात किस में, मतलब ये पी बिंदु को -1.6 में विभाजित करती है, यानी दो रेखाखंडों को मिलाने वाले को इतना विभाजित करती है। लेकिन पूछ रहा है कि ये किस अनुपात में विभाजित करे, क्योंकि हम लोग को अनुपात देना है। तो जब भी हम ये, अगर हमको जब भी हम लोग को अनुपात निकालना रहता है, क्या करते हैं, मान लेते हैं, तो हम कह देंगे के रेशियो वन के रेशियो में, मतलब ये वाला के, मतलब के और वन के रेशियो में ये मतलब विभाजित करते हैं, हम मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मान लिया कि बिंदु पी ए बी को मिलाने वाले मिलाने वाली रेखाखंडों को के रेशियो वन, यानी के अनुपात एक के अनुपात में विभाजित करता है। ध्यान दीजिएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं, विभाजित करता है। जो हमारा P बिंदु है, ये दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है, K रेशियो 1 के, मतलब K अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। तो हम चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, तो हम लोग का विभाजन सूत्र होता है M1X2 प्लस M2X1 बट्टा M1 प्लस M2 कमा M1Y2 प्लस M2Y1 बट्टा M1 प्लस M2। ध्यान दीजिएगा, बस ये अपना फॉर्मूला है कि फॉर्मूला M1X2 प्लस M2X1 बट्टा M1 प्लस M2 कमा M1Y2 प्लस M2Y1 बट्टा M1 प्लस M2, यही है ना। अब देखते हैं कि इसी फॉर्मूला पे हम लोग बैठा लेंगे, हम लोग का ये निकल जाएगा। अब कह रहा है विभाजन, इन कौन बांट रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप, कि P वाला बिंदु ये दोनों बिंदु, मतलब दोनों बिंदु को P ना बांट रहा है बीच से, हाँ बांट रहा है। तो P वाला को हम यहां रख देंगे, जैसे ध्यान दीजिएगा P वाला बिंदु कितना हो जाएगा -1.6, यही ना होगा। अब थोड़ा सा हम लोग को ये देखना है कि M1 का वैल्यू, अब थोड़ा सा हम ये भी कर देते हैं चीनिया इधर, ये वाला इधर, क्योंकि हम लोग को निकालने में आसानी होगा। अब देखिएगा कह रहा है कि M1X2, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, आपको पहले से ही पता है कि ये कौन है, X1 है, ये Y1 है, ये X2 है, ये Y2 है, यही ना हम लोग को पता है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और ये इसको क्या बोलते हैं, जब जो रेशियो जिसको लेते हैं उसको M1 और M2 का मान होता है, तो इसको हम M1 रख लेंगे, इसको M2 रख लेंगे, यही ना होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा M1, तो M1 अपना क्या है, K है, ध्यान दीजिएगा M1, तो हम कह रहे हैं कि M1X2 यानी K × X2। अब X2 की बात करें तो X2 अपना 6 है, तो K × 6, ठीक है, प्लस M2Y1, M2 का मान 1 है, और X1 देख लीजिए -3, बहुत अच्छा। अब M1 प्लस M2 यानी K प्लस 1, क्योंकि M1 अपना K है और M2 1 है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें M1X2, तो M1 क्या अपना K है, और Y2 की बात कर रहे हैं तो -8 है, प्लस M2 1 Y1 10 बट्टा K प्लस 1,
ध्यान दीजिएगा, बस इसको थोड़ा सा सोल्यूशन देंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि ये गुणा कर लीजिए 6k प्लस माइनस 3 बट्टा के प्लस 1 कमा, यहाँ ध्यान दीजिएगा फिर क्या होना है, माइनस 8k प्लस 10 बट्टा के प्लस 1, यही ना होगा। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा इसको नहीं छोड़ेंगे, जैसे कि माइनस 1.6। अब हमको पता है ये x1 का वैल्यू है, ये x1 और ये x2, ठीक है। वही हम अगर यहाँ माने तो ये x1, सॉरी ये x1 है, ये y1 है, ध्यान दीजिएगा ये भी x1 है ये y1 है। इसी के साथ क्या करेंगे, एक के साथ ये वाला और दूसरा के साथ ये वाला, ऐसे कर देंगे ऐसे। देखिए यहाँ पे हम समझाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे हम यहाँ कह रहे हैं 6k माइनस 3 पट्टा k प्लस 1, और इसके बदले आप कितना लिख सकते हो, माइनस 1 ले सकते हैं ना, क्योंकि ये अपना x1 है ये y1 है, यही ना होता है। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान पूर्वक, ये x1 है ये y1 है, तो x1 का वैल्यू कितना, x1 का वैल्यू आपको पता है, x1 का ये x1 है तो ये भी तो x1 है, तो x1 के साथ माइनस 1, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से भी हम आंसर ला सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीफिकेशन करना है, 1 से इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 6k माइनस 3 इक्वल टू, फिर इसमें कीजिएगा यानी k, k प्लस 1 में माइनस 1 से गुणा कीजिए, कितना आएगा माइनस k और माइनस 1, बिल्कुल होगा। अब ये थोड़ा सा हम लोग ये इसको एक्सचेंज करते हैं, हेर फेर करते हैं, जैसे कि यहाँ 6k और ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस k इक्वल टू, ये माइनस 1 और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 3, यानी निकल के क्या आएगा, ये 6 यानी 7k इक्वल टू 2, देयरफोर अगर हम लें k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/7। अब ये हमसे यही ना पूछा है कितना रेशियो बांटता है, तो इसका जो रेशियो होगा यानी 2:7 के रेशियो बांटता है, यही अपना आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भागफली तो अपना रेशियो होता है, बस यही अपना आंसर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे, चलिए इसको मिटाते हैं, आप इसको नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखने, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हम लोग 5 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु मतलब ए 1-5 और बिंदु बी 4.5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक अक्ष को विभाजित होता है, इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहले इसका अनुपात, उसके बाद इसका निर्देशांक क्या होता है उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 5 की बात करें तो वही रेखाखंड पे एक रेखाखंड लेते हैं, देखिएगा एक रेखाखंड लेते हैं और ए और बी यहां तो दिया हुआ है, गिवेन है, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 1-5 और बी का वैल्यू जो दिया है 4.5, यही ना दिया है। अब हमसे एक चीज और कह रहा है कि ये किसके अनुपात, x के अनुपात में विभाजित करती है, यानी कोई बिंदु हम P ले लेंगे जो कितना x.y, यानी x की बात कर तो x तो रहेगा लेकिन y का वैल्यू नहीं पता है, तो इसलिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा आपको ये समझाना चाह रहे हैं, फिर क्या करेगा ये k रेशियो 1 के रेशियो में अनुपात, क्योंकि हमको यहाँ इसका रेशियो भी देना है, और आप जब भी माने तो रेशियो कितना मानना है, k रेशियो 1 हमेशा लेना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम एक बार मान लेंगे, यहाँ पे भी मान लिया कि बिंदु पी ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड को k रेशियो 1 के अनुपात में विभाजित करती है, ध्यान दीजिएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं, फिर वही कह रहे हैं कि जो a और b को जो बांट रहा है ना वो कितना का अनुपात में विभाजित कर रहा है, k रेशियो 1 के रेशियो में विभाजित कर रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो अपना
वैल्यू है जो एक्स रेशियो जीरो, मतलब सॉरी एक्स कमा जीरो के अनुपात, मतलब एक कमा जीरो है क्योंकि हमारा यहाँ तो एक्स का वैल्यू तो खुद ही एक्स है और वाई का वैल्यू कितना है, जीरो है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम लोग फिर वही विभाजन सूत्र, तो अपना फॉर्मूला होता है एम वन एक्स टू प्लस एम टू वाई वन बट्टा एम वन प्लस एम टू कमा एक्स वन कमा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बट्टा एम वन प्लस एम टू। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा यही हम ये करेंगे क्या कि अगर हम मान लें यहाँ ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है और यहाँ अपना मिडिल बिंदु जो बांट रहा है कितना पी बांट रहा है कितना एक्स कमा जीरो के, मतलब एक्स कमा जीरो में बांट रहा है, तो पी वाला वैल्यू तो नहीं बोलेंगे, हमेशा पी वाला वैल्यू कितना दिया है एक्स कमा जीरो। ध्यान दीजिएगा अब M1 का वैल्यू कितना है, देखिएगा ये इधर ठीक है और ये इधर, यही ना हो सकता है। तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे फिर हम लोग करना क्या है कि अगर M1, M1 कितना है k और X2 का वैल्यू कितना है माइनस फोर, तो रख लेंगे ना माइनस फोर माइनस फोर प्लस M2, M2 कितना वन है और X1 का वैल्यू कितना होगा वन बट्टा M1 प्लस M2 यानी M1 अपना k है और M2 कितना है वन है कमा, अब कह रहा है M, मतलब M1, M1 कितना है k इंटू y2, ध्यान दीजिएगा y2 कितना है, ये मतलब y x2 है ये y2 है तो y2 कितना है 5 है प्लस, फिर ये कह रहा है कि M2 y1, M2 कितना है वन और y1 कितना है माइनस फाइव बट्टा k प्लस वन, k प्लस वन क्यों, क्योंकि k अपना ये M1 है और ये M2 है, बस यही ना करना है। अब थोड़ा सा ये हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे तो ये कर सकते x कमा जीरो, इसको नहीं भूलना है, इसको अगर भूलते हैं तो फिर हम लोग का रेशियो नहीं आएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसमें इसमें गुणा कीजिए कितना होगा माइनस फोर के प्लस कितना वन बट्टा के प्लस वन कमा ये कितना हो जाएगा फाइव के प्लस, और यहाँ पे माइनस कर देते माइनस फाइव क्योंकि गुणा करेंगे तो माइनस फाइव बट्टा कितना के प्लस वन। एक बार और हम इसको अच्छा से यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा ये किसका वैल्यू है x1 है ये y1 है, तो यहाँ पे भी तो ये x1 है ये y1 है, यही ना हो सकता है, ये x का वैल्यू है ये y का वैल्यू है, तो हम क्या करना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x का बात है ना, x यहाँ पता चल रहा है x की बात चल रही है, तो थोड़ा सा x वाला वैल्यू जैसे हम ये कह रहे हैं कि माइनस फोर के प्लस वन बट्टा के प्लस वन इक्वल टू कितना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना है x है, तो यहाँ x रख लीजिए, यहाँ इक्वेशन क्या कर दें फर्स्ट करके छोड़ देंगे, बस इसको अभी लेके चलना नहीं, हम लोग को लेके चलना है जो वैल्यू दिया है उसका, जैसे अब उसके बाद क्या है y1 है तो कितना लिख लें इसको हम कह रहे हैं फाइव के प्लस माइनस क्या हो जाएगी यहाँ प्लस है यह माइनस है माइनस फाइव बट्टा के प्लस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये y का वैल्यू तो यहाँ पे क्या रख लेंगे जीरो रख लेंगे, तो जीरो रख लिए। ध्यान दीजिएगा अब क्या हो सकता है अपने पास ये मतलब ये किसमें भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा नहीं सब कुछ ये जीरो हो जाएगा, तो हम ये कह रहे हैं कि फाइव के माइनस फाइव इक्वल टू जीरो हो जाएगा, नहीं होगा एकदम बिल्कुल होगा यार, क्योंकि ये यहाँ पे लिख देते एक बार k प्लस वन, क्योंकि नीचे ये भाग में था ऊपर जाएगा गुणा में, अगर किसी भी नंबर को जीरो से गुणा कीजिएगा तो फिर क्या आना है जीरो आएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा फाइव के माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, ये तो मिलेगा ना। अब थोड़ा सा ये और ध्यान देना अपने को कि यहाँ पे माइनस है मतलब ये किस में है माइनस उधर जाके बराबर उधर प्लस हो जाता है, तो फाइव के फाइव तो देयर फोर के इक्वल टू कितना हो जाएगा वन। अब ध्यान दीजिएगा के इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे हम ये कह रहे हैं कि अब ये हो गया जैसे कि फाइव मतलब ये गुणा में इधर आ गया जैसे फाइव बटा फाइव हो जाएगा, यही ना होगा, तो हम इसको अगर रेशियो में आप बांटिए इसको क्योंकि हमको रेशियो लाकर पहला तो रेशियो दिखाना है, तो रेशियो लाकर जब दिखाते हैं तो फिर क्या होगा, तो आप ये अगर आप ये कहते हो फाइव रेशियो फाइव यही ना कह सकते हैं यार, काट देंगे इसको कितना हो जाएगा वन रेशियो वन, तो एक तो अपना आंसर ये आएगा वन रेशियो वन आएगा ठीक है, लेकिन एक और दूसरा लाने के लिए हम लोग क्या करना है, यहाँ भी अगर दो तरह से हम बता देंगे कि दो विधि है इसका लाने का, एक विधि तो फिर पहले इसको मिटाते हैं हम ठीक है, अपना पहला आंसर कितना आएगा ये वाला होगा वन रेशियो वन, दूसरा में देखते हैं इसको चलिए मिटाते हैं, अपने पास ये चाहिए हम लोग को ठीक है, इधर मिटाते हैं
देखिएगा हम क्या करें, अगर k का वैल्यू ये मतलब रेशियो का वैल्यू अगर रख दे, जैसे कि यहाँ पे k का वैल्यू क्या आ रहा था, इसको काटिएगा तो 1 ही ना आएगा, बिल्कुल 1 आएगा। तो अब थोड़ा सा हम लोग को ये देखना है पहला जो, अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से जाएंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, क्योंकि हमसे पूछा है x का वैल्यू भी बताइए, x का वैल्यू हम लोग बता देंगे जैसे कि -4 के प्लस 1 बट्टा के प्लस 1 इक्वल टू एक्स, यही ना दिया है। तो पता है k का वैल्यू हम लोग क्या लाए हैं, 1 लाए हैं। k का वैल्यू जब 1 आया है तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्या करना अपने को, k का वैल्यू जैसे कि -4 k के बदले कितना लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1 इक्वल टू एक्स, यही ना हो सकता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गुणा कीजिए -4 प्लस 1 बट्टा 2 इक्वल टू कितना एक्स। अब थोड़ा सा ये भी ध्यान देंगे कि ये घटा लीजिए, -4 में से 3 -4 में से 1 गया तो कितना आएगा -3/2 इक्वल टू एक्स, यानी अगर इसको सही से लिखे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -3/2, ये अपना आंसर x का वैल्यू ये आएगा ठीक है। इस तरह से हम लोग आंसर हो जाएगा। और दूसरा विधि इसका बताएं तो दूसरा विधि भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अब क्या करना है आपको मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देना है, क्योंकि कह रहा है किस अनुपात में बांट रहा है, तो x का अगर x की बात कितना आ गया -3/2, अगर इसका सही से अगर सही वे में लिखेगा इसका आंसर तो क्या x का वैल्यू क्या लाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू क्या लाए -3/2 -0, यानी हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू -3/2 0 होगा, x का वैल्यू मतलब ये x का वैल्यू ये होगा और y का वैल्यू 0 होगी, क्योंकि y तो पहले से दिया हुआ है। अगर आप ये कहते हैं तो दूसरा मेथड ये हो जाएगा, इसको मिटाते हैं। चलिए अगर दूसरा मेथड की बात करें तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे कि आपको पता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला, मध्य बिंदु क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही ना होगा। तो अब थोड़ा सा इस पे भी रख सकते हैं, रख के दूसरा आंसर ला सकते हैं, जैसे कि ये क्या है अपना x1 है, तो x1 कितना है 1 है प्लस उधर का -4 ठीक है / 2 कमा, ध्यान दीजिएगा अब फिर कितना है -5 + 5/2, यही ना होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि ये करे तो प्लस माइनस 1 -4/2 कमा, ये कितना हो जाएगा, अरे +5 है -5 है घटाएंगे तो 0 आएगा, तो 0/2। अब ध्यान दीजिएगा घटा लीजिए -3/2 कमा कितना आ गया, ये अगर किसी भी 0 में किसी भी नंबर से भाग दीजिए कितना आने वाला है 0 आने वाला, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। बस आप दो तरह से, दो विधि है, दोनों विधि में से किसी भी विधि से आप आंसर ला सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये इजी हो जाएगा क्योंकि जल्दी में बन सकता है ठीक है। चलिए अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है इसको मिटाते हुए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हम लोग 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का वैल्यू ज्ञात करें ठीक है। तो हम लोग करना क्या, x और y का वैल्यू ज्ञात करना, थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक सम चतुर्भुज है ठीक है, ध्यान देगा तो a, a का वैल्यू दिया है 1, 2, b का वैल्यू जो दिया है 4, y, b का वैल्यू दिया 4, y और c का वैल्यू दिया है x, 6 और d दिया है 3, 5। चलिए इसको ध्यान पूर्वक देखते हैं, अब हम लोग करना है ऐसे ठीक है, और कोई बिंदु मान लेंगे O ले लेंगे, बीच वाला बिंदु O ले लेंगे, यही ना हो सकता है। अब देखिएगा कि हम यहाँ से मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा के भी आंसर ला सकते हैं ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा करना अपने को, अगर मान लें हम कि हाँ ले लीजिए A और B, जैसे हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाते हैं पहले ऐसे, ये वाला A और C, AC ये कर देंगे, हाँ वही ले लीजिए, हम कह रहे हैं AC को
बिंदु O विभाजित करती है, या मध्य बिंदु O मध्य बिंदु है। ध्यान दीजिएगा, यही है हम कह रहे हैं ना, AC, AC का मध्य बिंदु क्या है? O है। हम लोग लेट कर लेंगे, O मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या हो सकता है यहां पे देखिएगा, 1/2, मतलब ये x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई टू कमा, अगर आगे ध्यान दे तो फिर हो जाएगा अपना 2 प्लस 6 भाई कितना 2, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे तो पहला 1 प्लस एक्स बाई टू कमा 8 बाई टू काट लें कितना आएगा, तो 1 प्लस एक्स बाई टू कमा कितना हो जाएगा 4। इसको ध्यान पूर्वक रखेंगे क्योंकि एसी के बदले कितना आया अपना, समझ लीजिए एसी के बदले कितना आया ये वाला। अब हम वही बात कर रहे हैं, फिर से अगर बात करें सेकंड कंडीशन में, तो बीडी को बीडी बिंदु ओ का मतलब ये हम करें कि बीडी मतलब ओ बीडी का मध्य बिंदु O है, ठीक है। BD का मतलब BD का भी मध्य बिंदु क्या है, O है। तो अब ध्यान देंगे BD के बदले हम क्या ला सकते हैं, BD के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, मध्य बिंदु वाला, पता है ना, x1 प्लस x2 बाई टू कमा y1 प्लस y2 बाई टू। अब ध्यान दीजिएगा फिर हम लोग करना क्या है कि फिर x1 इसके BD के बदले क्या x1 और y1 का वैल्यू, तो हमको पता चल गया, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि x1 का वैल्यू कितना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो x1 3 प्लस 4 बाई टू कमा 5 प्लस y बाई टू, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अब कितना हो जाएगा, 7 बाई टू कमा ये हो जाएगा 5 प्लस y बाई टू। ध्यान दीजिएगा अब हमको करना क्या है कि अब AB और BD को देखना है, ठीक है। ए बी और बी डी से देख के हम एक्स और वाई का वैल्यू ला सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए बी और बी डी को देखना है तो ये किसका वैल्यू है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एक्स वन है ना, ये कितना है, मतलब ये एक्स है और ये वाई है, इतना आपको पता है कि फर्स्ट वाला जो वैल्यू होता है एक्स का वैल्यू होता है और सेकंड वाला वाई का वैल्यू होता है, और ये किसका वैल्यू होता है, ये भी फर्स्ट वाला एक्स का वैल्यू और सेकंड वाला वाई का वैल्यू। तो देख लेंगे पहले क्या रखना अपने को, तो पहले 1 प्लस एक्स बाई टू, और दूसरा में क्या आया है देखिएगा, x का वैल्यू कितना आया है 7 बाई टू, यही ना होगा। अब थोड़ा सा हम लोग को ये देखना है x का वैल्यू लाने के लिए कि ये 2 किस में है, भाग में है, उधर जाके गुणा में चेंज हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7 अपन 2 इंटू 2, 2 से 2 तो कट गया, कितना बचा है 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7। अब देखिएगा ये किसमें प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 यानी x बराबर 6, यही होगा। तो x का वैल्यू तो 6 आया, अगर y की बात करें यही y कर लेते हैं तो y के बदले कितना आएगा, देखिएगा y के बदले कितना आएगा, एक इक्वेशन लाए हैं 5 प्लस y बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब देखिएगा ये भाग में उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी 5 प्लस y इक्वल टू 4 इंटू टू, ये भाग में था उधर जाकर गुणा हो गया, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो देयर फोर वाई इक्वल टू 8 माइनस 5 वाई इक्वल टू 3, यही अपना आंसर हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 6 और वाई का वैल्यू 3 आएगा, बस ये अपना आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, और 7 में कह रहा है कि बिंदु एक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले एक वृत्त की बात कर रहा है, तो एक वृत्त यानी एक सर्कल लेते हैं और इसका व्यास लेते हैं, और व्यास कह रहा है ए बी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निर्देशांक ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र, केंद्र बोले तो हाँ ये जिसका केंद्र कुछ भी ले लेंगे पी, कुछ भी जिसका केंद्र पी, अगर हम मान ले केंद्र इसका है 2, -3, ठीक है,
टू तथा बी के निर्देशांक, ये बी वाला दिया है 1.4, 1.4 है, तो ए का इसका ज्ञात करना है। चलिए कोई बात नहीं, ए की बात करते, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस हम लोग क्या कर ले रहे हैं, एक्स वाई ए को मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं कि मान लिया कि ए का निर्देशांक एक्स कमा वाई है। चलिए इतना तो मान ही सकते हैं ना, एकदम इजी है, क्योंकि हमको पता है कि ये सबसे पहले ये कह रहा है कि हम ए का तो नहीं दिया हुआ है, तो एक्स और वाई यही ना आने वाला है अपने पास, तो मान लेंगे कि इसका निर्देशांक कितना है, एक्स कमा वाई है। तो अब थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखेंगे हम लोग करना क्या है, एक्स कमा वाई तो दे दिया है, अब हमको निकालना है क्या बोलते हैं, हम लोग को निकालना है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू मध्य बिंदु, या ऐसे लिख लेंगे मध्य बिंदु बराबर, मध्य बिंदु एक्स कमा वाई, मतलब एक्स प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू बटा टू कमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। ध्यान दीजिएगा ये ना फॉर्मूला होता है। तो अब देखिएगा मध्य बिंदु में सबसे पहले मध्य बिंदु कह रहा है, तो अपना मध्य बिंदु कितना है, मध्य बिंदु तो यही है 2, -3। तो मध्य बिंदु के बदले हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, 2, -3, ये तो बिल्कुल लिख सकते हैं यार, मध्य बिंदु है तो लिख ही सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू नहीं दिया तो कितना x है, x प्लस x2 कितना है 1 प्लस 2 कमा y1 देख लीजिए y प्लस y2 कितना 4/2। ध्यान दीजिएगा बहुत लोग कंफ्यूजन हो रहा है यार, आपको पहले से पता है ये क्या है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये तो आप पहले वीडियो से देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए किसका वैल्यू है, यहाँ पे भी पता आपको ये x है और ये y है, ये यही ना है, तो ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, और ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, ये तो बिल्कुल है। अब थोड़ा सा ध्यान देना अपने को कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ x प्लस 1/2 इक्वल टू कितना कर लें, 2, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आपको पता है कि डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 4 कर सकते हैं ना, अरे 2 × 4 होता है, 4 हो गया। अब ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी x कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको कर सकते हैं 4 - 1, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यही ना होगा, तो x का वैल्यू हमको पता चलेगा कितना आने वाला है 3। और वैसे ही अगर y की बात करें तो y के साथ कौन जाएगा, लिख लेंगे अगेन, ध्यान दीजिएगा y प्लस 4 इक्वल टू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जाएगा ना -3, तो -3 हो जाएगा, एकदम होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वही रूल, कितना हो जाएगा y प्लस 4 इक्वल टू कितना, उधर करे तो -6, अब ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 - 4, यानी कितना हो जाएगा y इक्वल टू -10। तो हमको पता चल गया कि x और y का वैल्यू क्या आने वाला है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू कितना 3 और y का वैल्यू -10, और यही अपना आंसर हो जाएगा। बस अब हम लोग देखना है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं अभी, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में है, ध्यान दीजिएगा कि बिंदु यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि यहाँ पे गिवन पॉइंट दिया, थोड़ा सा ध्यान देंगे गिवन में क्या है, हम लोग गिवन की बात कर रहे हैं, ए पी इक्वल टू कितना दिया हुआ 3.7 ए बी, ध्यान दीजिएगा यही दिया हुआ है कि ए पी इक्वल टू इतना दिया है, मतलब हो तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। जैसे कि हम एक बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक बिंदु लेते हैं, ये कह रहा है कि ए बी, तो ए है, ये बी है, ठीक है, और ए का कुछ वैल्यू दिया हुआ है -2, -2, और बी का वैल्यू दिया हुआ है 2, -4, हो तो
पी के निर्देशांक ज्ञात करें तो पी यहाँ ये बिंदु अपना पी हो जाएगा, ठीक है। पी के निर्देशांक हम लोग को ज्ञात करना है तो थोड़ा सा ध्यान देगा, सबसे पहले इसका रेशियो पता करें किस रेशियो में आता है, ठीक है। तो अब थोड़ी सी ये हम लोग को बात करना है ये किसमें है, यहाँ पे अगर लाएं हम तो जैसे कि ए बी है तो ए पी, ए पी इक्वल टू कितना, अगर ये भाग में है इधर आगे गुणा में हो जाएगा तो हम कह रहे हैं 7AP = 3AB, बिल्कुल हो जाएगा, इसको ही हम लोग को सोल्यूशन देना है। तो यहाँ पे आके कितना हो जाएगा 7AP = 3AB। अब किसकी बात कर रहा है, ए और बी की, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ए और बी की बात कर रहा है। तो अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं जैसे कि हम कह रहे हैं 7AP रहने दे रहे हैं, ठीक है, तो और 3 तो रहेगा और AP के बदले कितना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AP + BP या PB, यहाँ ध्यान दीजिएगा हम तो AB के बदले हम पूरा, अगर हमारा टोटल AB है तो हम यहाँ तो इसके बदले ये लिख सकते हैं कि AP और फिर BP या AP, ये तो लिख सकते, दोनों के जोड़ने के बाद तुम्हारा AB आएगा, ये तो बिल्कुल है। तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे जैसे हम करना क्या अपने को कि 7AP = कितना हो जाएगा 3AP + 3BP, कर ही सकते हैं ना, अरे गुणा करेंगे तो उतना ही तो आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि एपी है यहाँ पे, तो एपी ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो जैसे हम कह रहे हैं 7AP - 3AP = कितना हो जाएगा 3BP। अब घटाएंगे तो कितना आएगा 4AP = कितना होगा 3BP, यही ना हो सकता है। अब हम कह रहे हैं कि ये दोनों में अब क्या करेंगे, जैसे कि रेशियो में लाना है तो क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हम ये कह रहे हैं एपी तो रहेगा बराबर 3/4BP, क्योंकि ये गुणा उधर जाके भाग में हो जाएगा, और हमको ये भी नहीं चाहिए इसको यहाँ लाना है, तो AP = BP = 3/4। अब हम लोग को AP और BP का रेशियो देख लेना है, तो रेशियो क्या हो सकता है इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे कि हम कह रहे हैं AP रेशियो BP, तो अब देखिएगा क्रॉस कर दीजिए, जैसे हम ये कह रहे हैं 3:4 हो जाएगा, तो अब AP, तो AP के बदले कितना रख ले 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 4, यानी कितना ये रेशियो कितना आ रहा है AP और BP का रेशियो जो आ रहा है कितना 3:4। अब इसी पे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे और आसानी से ला सकते हैं। चलिए हम अगला फॉर्मूला लगा के देखते हैं, इसको मिटाते अभी, जैसे होता है विभाजन सूत्र, अब हम लोग बात करेंगे विभाजन सूत्र का, विभाजन सूत्र क्या होता है, M1x2 + M2x1 / M1 + M2 / M1y2 + M2y1 / M1 + M2, यही ना हो सकता है। अब लोग को रेशियो भी है तो इसको आप क्या कहते हो, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको M1, इसको M2, और इसी को तो कहते हैं इसको, ये X1 है, ये Y1 है, ये X2 है, ये Y2 है, क्योंकि हम लोग पहले से ये सब ये सारी चीज़ें सीखते आ रहे हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यानी ये इधर जाएगा और ये इधर, आसानी होता है, ठीक है। तो जैसे हम बात करें M1 की, M1 कितना हो जाएगा अपना 3 × X2 की बात करें तो -4, ठीक है, प्लस M2 कितना 4 है, और X1 की बात करें तो -2 / 3 + 4 कमा, वही अगर हम बात करें फिर M1 कितना है 3 × Y2 नहीं, यहाँ 2 होगा क्योंकि यहाँ हम लोग गलत कर लिए हैं, क्योंकि M1 तो 3 है लेकिन X2 की बात करेगा तो X2 कितना है 2 है, ध्यान दीजिएगा। और वही कह रहा है कि अब ये बातें यहाँ पे है तो कितना M1 3 है और Y2 कितना -4 + M2 4 × Y1 - 2 / 3 + 4। अब यहाँ देखना है अपने को 3 × 6 + -8 / 7 / 4 × 12 - 12 + कितना हो जाए -8 / 7। फिर इसको कर ले हम, अगर ये माइनस है ये प्लस है घटा लेंगे तो कितना आएगा, या ऐसे कर सकते हैं एक बार अच्छा से लिख लीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है 8/7 - -12 और -8/7, कर सकते हैं ये आ जाएगा अपना -2.7
माइनस बीस कोमा सेवन, यही अपना आंसर होगा, क्योंकि x1 का वैल्यू ये है, y1 का वैल्यू ये है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इसको मिटाते हैं अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ध्यान दीजिएगा। बिंदु ए माइनस टू कोमा टू और बिंदु बी 2.8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को चार भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिएगा एकदम ध्यानपूर्वक हम लोग कर सकते हैं। अगर हम मान लें यहाँ पे एक लाइन देते हैं, ठीक है, इस तरह का खड़ी लाइन, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो ए का जो वैल्यू दिया हुआ है माइनस टू कोमा टू और जो बी का वैल्यू दिया है 2.8, ध्यान दीजिएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि इसके बीच में चार भागों में इसको बांटना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे चार भागों में बांटना है। तो जो बीच वाला भाग है उसको हम P मान लेते हैं, ठीक है, P Q कुछ भी मान लेंगे, यहाँ Q मानते हैं ताकि सहूलियत हो, Q मान लेते हैं। तो हम कह रहे हैं ए बी के मध्य बिंदु Q का निर्देशांक, ध्यान दीजिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यू की बात कर रहे हैं, ताकि क्यू का निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप जानते हैं, मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। अब ध्यान दीजिएगा कि एक्स वन का वैल्यू कितना है, माइनस टू प्लस टू बाई टू कमा कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 वाई टू। अरे नीचे वाला ये देखिएगा, इसका पहला और इसका पहला x1 y2, x1 और y1 है, इसका x2 है, ये y2 है, यही ना हो सकता है, पहला पहला तो होता है, तो पहला x यहाँ x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये मतलब y2 है, ये मतलब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, यही ना हो सकता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम ये रखें तो और इसको करें तो जीरो हो जाएगा, 0/2 कमा कितना हो जाएगा 10/2, यानी कितना हो, ये तो करेंगे किसी भी नंबर से भागा लगाएंगे तो कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो पहला तो ये कितना आ गया, पहला थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्यू का वैल्यू कितना आया 0.5, ठीक है। अब हम लोग ये तो कर लिए, ये कितना ले लिए हम लोग, क्यू का वैल्यू तो ये आ गया। अब हम कह रहे हैं ए क्यू के मध्य बिंदु, तो ए क्यू के मध्य बिंदु क्या रख लें, पी रख लें, हाँ रख सकते हैं। तो ए क्यू के मध्य बिंदु अब यहां पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए क्यू का मध्य बिंदु पी का निर्देशांक, ध्यान दीजिएगा पी का निर्देशांक, यही ना हो सकता है। अब थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि P की बात कर रहे हैं, तो P का निर्देशांक लेने के लिए क्या होगा, वही मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को पता है कि x1 प्लस x2 बाई टू और y1 प्लस y2 बाई टू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हम कह रहे हैं माइनस 2 प्लस 0 बाई टू कमा कितना हो जाएगा 2 प्लस 7 बाई टू, इसका पहला और इसका पहला, इसका दूसरा और इसका दूसरा, यही जोड़ के ला देंगे, कितना हो जाएगा माइनस 2 प्लस 2 मतलब 2 कमा 7/2, इसको काट लीजिए, कितना आएगा माइनस 1 कमा 7/2, यही ना हो सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 कमा 7/2, ये तो हो ही जाएगा। अब फिर हमको इसको मिटा कर थोड़ा सा देखते हैं, इसको मिटाते हैं ये वाला। अब देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं बी क्यू के, इसको आर रख लेते हैं, ठीक है, बी क्यू के मध्य बिंदु आर का निर्देशांक, आर का निर्देशांक, ध्यान दीजिएगा आर की बात कर रहे हैं, तो आर का निर्देशांक क्या हो जाएगा, अब ये वही वाला मध्य बिंदु का फॉर्मूला, तो आर के बदले हम ले सकते हैं इसका पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, तो कितना हो जाएगा 0/2/2 कमा 5+8/2, तो कर सकते कितना होगा 2/2 कमा
मतलब 13/2 कितना हो जाएगा 1, 13/2 यानी कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1 आएगा, यानी टोटल मिला के कितना हो गया 1, 13/2। ये अपना इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह से आंसर इसका निकाला जा सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ठीक है, क्वेश्चन 10 देखते हैं, इसको मिटाते हैं अभी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 10 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3.0, 4.5, -1.4 और -1, -2, -1 है, ठीक है। संकेत में कुछ दिया है, कुछ मतलब ये गिवन में भी कुछ दिया हुआ है, ठीक है, देखते हैं फिर कैसे। जैसे हम ये कह रहे हैं, एक बात देखिएगा, ये कह रहा है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की बात कर रहा है, तो देखिएगा ये समानांतर चतुर्भुज, अगर हम ये बात करें कि ए, ए कितना दिया हुआ है, पहला बिंदु इसका ए है, ए रख लेंगे 3.0, बी 4.5, सी -1.4 और डी, और डी की बात कर रहा है -2, -1, यही तो हो सकता है। देखिएगा हम क्या करेंगे, सारे बिंदु को ले लेंगे, सारे बिंदु को मान लेंगे ए बी सी डी में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक गिवन में जो दिया हुआ उसको थोड़ा सा ध्यान दें, क्या दिया हुआ है, एक संकेत करके दिया हुआ है आपकी बुक में, ध्यान दीजिएगा, एक कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1/2, और कह रहा है विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल यही तो कह रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस इसके हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे अपना आंसर, बहुत इजी वे में आ जाएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो अब कह रहा है ये विकर्ण, तो ये ना विकर्ण होता है, इससे ये मिला देंगे तो ये विकर्ण होगा, विकर्ण तो यही होता है, तो हम ये कर सकते हैं इसको अच्छा से अगर लिखे तो 1/2 क्या हो जाएगा AC क्या हो जाएगा BD, यही ना होगा, एकदम बिल्कुल होगा। अब क्या करना है अपना, पहले अब तो थोड़ा सा ध्यान में ये बैठा लीजिए, ये AC है, ये BD है, यही तो हो सकता है ना, तो AC के बीच की दूरी, अब हम कह रहे हैं इसके और इसके बीच की दूरी और इसके इसके बीच की दूरी, यानी AC के बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम क्या बता रहे हैं कि AC, तो हम कह रहे हैं AC की दूरी, AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, दूरी फार्मूला आपको याद है पहले से, क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है। अब ध्यान देंगे कि कितना लोग सोच रहे हैं कि सर क्या करें हम, ये कुछ ना एक ही रूल जानते हैं कि नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटाना है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा कि -4 और कितना है -2 का होल स्क्वायर प्लस कितना है, सॉरी हम क्या लेके आ रहे हैं, AC ले रहे हैं, सॉरी हम लोग AC ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा AC ले रहे हैं, तो AC को ना रिएक्ट करेंगे, तो ये A है ये C है, ठीक है। तो नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाना है, मतलब ये 3 है, ये नीचे वाला हो जाएगा, जैसे हम कह रहे हैं कि 3 माइनस कितना 3 - -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की बात कर रहे हैं, y2 कितना है देखिएगा 0 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको अच्छा से करें तो फिर क्या होना अपने को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 3 तो 3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस कर लीजिए -4 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम लोग को ध्यान देना ये चीज़ें कि 4 का स्क्वायर करें तो 16 प्लस ये माइनस, अगर -4 का भी स्क्वायर करें तो कितना आएगा 16 ही आने वाला है, तो कितना हो जाएगा 16, आप लेके आइए कितना हो जाएगा 32 √32, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो, जैसे कि आप जानते हो कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है 5, तो ध्यान दीजिएगा पेयर लगा लीजिए, दो पेयर लग रहा है, कितना हो जाएगा 2 × 2 × √2, यानी करे तो 4 × 2, यही ना होगा, इतना तो कर ही सकते हैं। अब हम लोग करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते, एक अपना वैल्यू याद रखिएगा कि AC का वैल्यू क्या हम यहाँ लिख देते हैं, AC इक्वल टू कितना आया 4√2,
AC का वैल्यू आया, अब हम लोग लेके क्या आना है BD, इसको मिटाते हैं भी। अब कह रहे हैं BD के बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी BD के बीच की दूरी, अब वही होता है फिर फॉर्मूला वही लगा लेंगे, दूरी सूत्र रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा फिर करना क्या आपने को, वही होता है नीचे वाला में ऊपर वाला को घटाने के लिए, जैसे कि ये कितना है चार है तो रखिए फोर माइनस और ऊपर कितना है माइनस टू, इसका होल स्क्वायर, ये सबका होल स्क्वायर ठीक है, प्लस फाइव टू फाइव माइनस और माइनस वन का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देंगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी सिक्स हो जाएगा, सिक्स का होल स्क्वायर, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी सिक्स का होल स्क्वायर, अगर करें तो कितना आएगा छत्तीस प्लस छत्तीस लेके आएंगे तो बहत्तर। अब इसको तोड़ना है, बहत्तर को तोड़ के चेक करते हैं फिर कितना आने वाला है ठीक है, यहाँ तोड़ देते हैं, अगर हम बहत्तर को तोड़ें तो ये यहाँ गुणनखंड, अब अगर आपको तोड़ने नहीं आता तो फिर ऐसे तोड़ सकते हैं, जैसे कि बहत्तर टू से करें तो कितना आएगा ये छत्तीस, फिर टू से करें तो अठारह, थ्री इंटू थ्री यही ना होगा। अब देखिएगा पेयर ऐसे लगा सकते हैं, जैसे यहाँ हम पेयर की बात करें तो कितना आएगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू थ्री इंटू थ्री यही होगा। अब यहाँ यहाँ तो पेयर काम कर रहा है ठीक है, तो कितना हो जाएगा टू इंटू थ्री, और जो जिसका पेयर किसका नहीं लगा, टू का पेयर नहीं लगा रहा तो अंदर रहेगा, अब देखिए कितना हो जाएगा छः रूट अंडर टू। तो अब हम ये बी डी की बात करें, बी डी कितना ला दिए हम लोग, बी डी बी डी कितना है सिक्स रूट टू। अब हम लोग ए सी और बी डी का वैल्यू मिल गया है तो अब चलते हैं डायरेक्ट हम लोग जो दिया था संकेत में, जो गिवन में दिया था उसको देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं अभी, जो संकेत दिया हुआ था संकेत को देखेंगे, जैसे दिया था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ था, वन अपन टू, मतलब दिया था विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्ण क्या है एसी इंटू बी डी, यही तो दिया था। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना अपने को कि एसी कितना है वन बाई टू, एसी कितना है देख लीजिएगा फोर रूट अंडर टू इंटू बी डी कितना है सिक्स रूट अंडर टू, दो से काट दीजिए दो दूना चार, कितना हो जाएगा हम ये करें छः इंटू कितना हो जाएगा दो, यानी कितना हो जाएगा बारह। फिर भी बहुतों को समझ नहीं आएगी फिर कैसे यार, हम कह रहे हैं कि ये सिक्स में वन से कीजिएगा तो कितना आएगा सिक्स आएगा, लेकिन हम कह रहे हैं ये टू और ये टू से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा टू एन आएगा, यानी हम ये कह रहे हैं कि रूट टू इंटू रूट टू गुणा कीजिएगा टू आएगा, इसलिए हम ये दोनों को बंदे कितना लिखे टू और गुणा कीजिएगा छः दोनों बारह, यही अपना आंसर होगा।